हेलो दोस्तों, तो भाई आप सबकी ईटीटी के जो स्क्रीनिंग पेपर है, हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है, आई थिंक उसकी तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही होगी आपकी। उसके रिगार्डिंग ही हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, प्लस अपने जो ये स्क्रीनिंग पेपर है भाई ऐसा। अब मैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारा टू वेरिएबल में चल रहा है, टू वेरिएबल में फर्स्ट टू लेक्चर हम कर चुके हैं, आज थर्ड लेक्चर के बारे में समझेंगे। बेसिक वही है जो हमने फर्स्ट में पढ़ा, उसी बेसिक को यूज़ करते हुए यहाँ पे एक क्वेश्चन करूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर भी, छोटा सा लेक्चर ही रखूँगी। इसमें से भी क्वेश्चन आपसे डेफिनेट है, वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, या तो फर्स्ट लेक्चर में से पूछेगा या फिर जो आज मैं करवा रही हूँ थर्ड नंबर, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मैं अभी आपके सामने MCQs लिखती हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने दो MCQs लिखे हैं, टू MCQs यहाँ पे लिखे हैं। जो बेसिक है इसका, अगर आपको वो नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने वीडियोस का, तो फर्स्ट वीडियो वॉच कर लेना, उसमें मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। इसमें से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे, पहला लेक्चर दिया और थर्ड लेक्चर, क्योंकि 20 मार्क्स का आपके पास, हमारे हम बात करें कि मैथ्स का टॉपिक 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो लीनियर सिस्टम में से आई थिंक एक क्वेश्चन ही वो कवर करेंगे, उसके बाद क्योंकि और टॉपिक बहुत है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ द इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, और आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। क्या बोला है, हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या था यूनिक सॉल्यूशन का, कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। मैंने लिख दिया, बट आपको तो माइंड में होगा, जरूरत ही नहीं है। a1 means 4, a2 means 2 is not equal to p upon 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, p is not equal to 4, p is not equal to, यहाँ पे not equal डालना था भाई, p is not equal to 4, that is your answer। ठीक है, p is not equal to 4, your answer, बिल्कुल इजी था। क्या लगा इसमें टाइम, सिर्फ एक मिनट में क्वेश्चन हो गया, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फंडा है जो आपको बताना है। देखिए क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फ्लोइंग पेयर हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पहले यूनिक सॉल्यूशन आया था, अब क्या आ गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हमने वैल्यू ऑफ k निकालनी है कि क्या आएगी। ये आपके पास ऑप्शंस दे रखी हैं और ये लाइंस हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या था, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। मैं पहले यही पेयर उठा लेती हूँ, ठीक है। चलिए मैंने पहले ये पेयर उठाया, x का कोफिशेंट k a1, x का कोफिशेंट a2 इज, y का कोफिशेंट 3, y का कोफिशेंट k, ठीक है। व्हेन आई सॉल्व इट, k स्क्वायर इज 36, तो k इज प्लस माइनस 6, k इज प्लस 6, ओ अब तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी भाई, अब मेरे पास k की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस 6 और माइनस 6, ऑप्शन में दोनों ही पड़ी हैं, तो मैं कौन सी टिक लगा दूं, दोनों पड़ी हैं। अगर एक होती तो मेरी प्लस होती तो मैं प्लस में लगा देती, अगर माइनस होती तो मैं माइनस लगा देती, लेकिन अब आंसर में दोनों ऑप्शंस पड़ी हैं। तो अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो फिर हम दूसरा पेयर उठा के देख लेते हैं, फिर उन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जो आंसर आया उसने मुझे दो ऑप्शन के बीच में खड़ा कर दिया कि दोनों ऑप्शन में अब मैं कौन सी टिक लगाऊं। तो अब उससे बाहर निकलने के लिए मैं ये पेयर उठा लेती हूँ, b1 का मतलब 3, b2 का मतलब y का कोफिशेंट k इज इक्वल टू c1 क्या है भाई, माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे भी कर दो, k कट गया, 3 इज इक्वल टू k माइनस 3, तो k इज इक्वल टू, इधर आएगा प्लस, कितना बन गया, k इज इक्वल टू प्लस का 6 आ गया, k इज इक्वल टू प्लस 6, ये रही अब मेरी a ऑप्शन आंसर आ गई, कि दोनों में कॉमन प्लस वाला था, तो अगर k की वैल्यू प्लस आएगी तभी मेरे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है जी, दोनों में कॉमन मेरा ये बना,
समझ में आया? ये क्वेश्चन थे, इन्फाइनाइट, यूनिक, नो सोल्यूशन, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है जी। तो आप निकाल सकते हो P की वैल्यू, K की वैल्यू, कैसे भी आपको पूछ सकते हैं। सिंपल था ना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इस पर जरूर लिखिए ETT पेपर 2, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ज्वाइन कीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिट रहने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।